राजेश नायक ने आज एरोली के दीवानगर प्रभाग 9 में युवा समाज सेवक राजेश मड़वी और रेशमा मड़वी के जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री के हाथों सोसाइटी में लगाए गए सीसीटीवी यंत्रणा समेत दर्जनों नागरी विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री इन उपक्रमों का शुभारंभ करते हुए युवा समाज सेवक राजेश मड़वी के प्रयासों की सराहना की, जिनके जरिए नागरिकों को सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि मनपा चुनाव में दीवानगर की जनता समर्थन देकर नया इतिहास बनाएगी। देखें रिपोर्ट। नवीमबई एरोली के दीवानगर प्रभाग 9 में आज से युवा समाज सेवी राजेश मड़वी और रेशमा मड़वी के जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ हो गया। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां पूर्वा सोसाइटी, शाश्वत श्री स्वामी शरणम और एकवीरा दर्शन सोसाइटी में लगाए गए सीसीटीवी यंत्रणा का भी पूर्व मंत्री गणेश नाइक के हाथों लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही यहां ग्रीन वैली और धर्मा टावर्स में डिजिटल नाम फलक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, वरिष्ठ नेता आनंद सुतार, एडवोकेट जब्बार खान और दिनेश पारेख समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने प्रभाग 9 के विकास और नागरिकों की सेवा सहायता में जुटे युवा समाज सेवी राजेश मड़वी और समाज सेविका रेशमा मड़वी के प्रयासों की सराहना की। राजेश मड़वी की मांग को बल देते हुए विधायक गणेश नाइक ने दीवानगर में मछली मार्केट और समाज मंदिर का विजन साकार करने में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। दीवा गांव के मूल रहवासी राजेश मड़वी यानी सौ रेशमा मड़वी यानी समाजाच्या सर्व स्तरावर आणि भारताच्या विविध राज्यातल्या सर्व लोकांशी एक सुसंवाद साधून आपलेपणाची भावना तिथे निर्माण केलेली आहे आणि इथल्या ज्या त्रुटी आहेत, इथे मच्छी मार्केट नाही, भाजीपाला मार्केट नाही, इथं हॉस्पिटल नाही, तिथे एकूणच समाज मंदिर पण नाही, या सर्व गोष्टींकरता राजेश मडवीला मी सांगितले अर्ज करा आणि त्या अनुषंगाने सिडकोकडे आपण प्रयत्न करू। विश्वासाने सांगतो या सर्व गोष्टी होतील आणि त्या करण्याकरता सर्व आमच्या कार्यकारी ताकत राजेश मड़वीच्या रेशमा मड़वीच्या पाठीमागे राहील। वहीं युवा समाज सेवक राजेश मड़वी ने लोक नेता गणेश नाईक और युवा नेता संदीप नाईक के नेतृत्व में हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में दीवानगर की तस्वीर बदलने वाली है। राजेश मड़वी ने दावा किया कि जनता बीजेपी के साथ है और प्रभाग 9 में कमल का ही परचम लहरा कर रहेगा। आत्मविश्वास तोड़ नहीं सांगतो की येणाऱ्या या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये हा प्रभाग भारतीय जनता पार्टीचा असेल। ही संपूर्ण जनता दादा आज तुमच्या सगळ्यांच्या नाईक परिवाराच्या पाठीमागे आहे। जोपर्यंत दादा तुम्ही या भूतलावरती आहात दादा, तोपर्यंत ह्या जनतेला दादा कुठल्याही गोष्टीची कमी होऊन देणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।